हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस 4440 डुअल आईसी एम्पलीफायर के बारे में बताएंगे। तो इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम यही है कि इसका जो साउंड होता है आउटपुट नहीं देता है। हालांकि इसमें एम्पलीफायर करता है, लेकिन जो इसमें सॉन्ग या FM या ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके चलाओगे तो इसमें साउंड नहीं देता है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें लाइट आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, FM पे है। मैं आपको SD कार्ड लगाकर दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इस टाइप से इसमें आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम दो ही चीज़ में होता है, एक तो अगर IC आपका ख़राब है उसमें, और या तो आपका कार्ड ख़राब है। तो यहाँ पे चालू होने के बाद क्या होता है, अगर IC ख़राब है तो चालू करते ही बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये देखने से IC ख़राब नहीं लग रहा है। तो चलिए हम इसका IC चेक कर लेते हैं। और दोस्तों, 4440 IC चेक करने का मैंने वीडियो अपने चैनल में बना रखा है, मैं इसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम DC को पॉइंट कर लेंगे। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से तरीका से समझाया कि 4440 IC को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो चलिए फटाफट हम इस IC को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा दोनों IC सही है। तो प्रॉब्लम जो होगा दोस्तों हमारा सिर्फ यहाँ से होगा। तो प्रॉब्लम इसमें इस कारण से भी होता है कि यहाँ से जो बटन से भी आवाज़ ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ से हम इसको ज़्यादा करके देखेंगे तो इसका वॉल्यूम भी पूरा फुल है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये कार्ड आपका ख़राब है। तो बहुत सारे कॉमेंट ये भी करेंगे कि यहाँ इसमें लाइट आता है लेकिन फिर भी आवाज़ इसमें देगा, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें लाइट आता है फिर भी इसका जो आउटपुट करने का जो यहाँ पे सर्किट होता है यहाँ पे छोटा सा ख़राब हो चुका होता है। तो चलिए हम आपको एक नया कार्ड लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक नया कार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बाहर वाला यहाँ पर कवर है और यहाँ पर ये कार्ड बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि यहाँ पर रिपीट है, इको है, यहाँ पर आपको वॉल्यूम पाउच प्ले का ऑटन और मोड का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम इसका जैक इसमें लगाकर आपको चेक करते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप ऐसे काम करते हो तो यहाँ पे इसका पावर सप्लाई के लिए जो यहाँ पे स्विचिंग यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपको कोई कवर नहीं दिया जाता है यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे सावधानी से काम करें, यहाँ पे आपको करेंट भी लग सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाइट आ चुका है। चलिए हम यहाँ इसमें लगा लेते हैं स्टिक कार्ड को, और यहाँ से जो इसका आउटपुट होता है यहाँ लगा लेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आजकल दिया जाता है, जैसा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जैक है, इसमें एंटीना के भी ऑलरेडी दिया जाता है। पहले 3 रहता है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड, और अब इसमें 4 पिन दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एक एंटीना का रहता है। तो यहाँ पे जैक को भी आप अच्छे से देख ले कि हमारा कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है और कौन सा ग्राउंड है। कभी जैक गलत लग जाता है, यहाँ पे 3 पिन वाले जैक होता है लेकिन यहाँ पे 4 वाला होता है, इसीलिए यहाँ पे उल्टा लगने के कारण भी आपका साउंड इसमें नहीं दे पाता है। तो चलिए अब हम इसमें लगा लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लगाते हैं इसमें अच्छा से, तो दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड ख़राब है। तो आप इस कार्ड को सिंपली चेंज करके आप अपने एम्पलीफायर को बना सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि हमारे एम्पलीफायर या होम थिएटर से साउंड कम आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो बटन होता है उससे भी इसका आवाज़ कम हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर साउंड इसका बढ़ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं 40 यहाँ पर, अब यहाँ पर ये फुल हो चुका है, ठीक है दोस्तों।
इसमें क्या होता है कि यहाँ बटन से भी कम हो जाता है, इसके वजह से आवाज़ नहीं दे पाता। जैसे मैं आपको पूरे कम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पूरा मैं इसको कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा पूरा कम हो गया है। ये फुल है, तो यहाँ पे फुल है लेकिन आवाज़ कम है। तो कारण यही होता है कि कार्ड से भी कभी कभी इसमें आवाज़ कम हो जाता है। तो यहाँ पे फुल, यहाँ पर देख लिया आप, बटन को दबा कर रखने से आपका भी साउंड बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि इससे आवाज़ आपका अच्छा देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि दोस्तों इसमें कार्ड का प्रॉब्लम है, इसमें लाइट आता है लेकिन साउंड इसका आउटपुट नहीं करता है। तो आप सिंपली इस कार्ड को यहाँ मार्केट में आपको ये अगर ब्लूटूथ वाला लेंगे तो आपको वही 150 में देगा, अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हैं तो 100 रुपये के आसपास में आपको दे देगा। तो आप इस सिंपली कार्ड को चेंज कर देंगे तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।